पूरी हिम्मत से कोरोना वायरस का मुकाबला करेंगे। रावलपिंडी में वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना से निमटने के लिए पंजाब ने 226 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। आगही मुहिम, एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग यूनिट्स कायम और मास्क के जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अवामी शिकायत दूर करने के लिए खुसूसी कमेटी भी बना दी गई है। क्राइम हो चुका है जिसका मैंने अभी विजिट किया है और 226 मिलियन रुपीस रिलीज करने के बाद तमाम पंजाब के जितने एयरपोर्ट्स हैं और दाखिली रास्ते हैं वहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग जनाब स्क्रीनिंग के लिए जनाब मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाए गए हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है। फिर जो मास्क हैं हफाजती मास्क उसके हवाले से शुरू में ये खबरें आई कि लोगों ने जखीरांदोजी शुरू कर दी है, कीमतें बढ़ा दी हैं। उसके ऊपर वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी एक्शन लेते हुए सख्ती से ऑर्डर किया है तमाम डीसीज को कि किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, जो उसका नॉमिनल रेट है उसी रेट के ऊपर भरपूर तरीके से जो है वो मास्क की अवेलेबिलिटी आवाम के लिए होनी चाहिए और जो जखीरांदोजी कर रहा है उसके खिलाफ प्रॉपर तरीके से एक्शन पूरे पंजाब के अंदर जो है वो लिए जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ सांस के जरिए से जो है वो ये बीमारी फैलती है, ये सांस के जरिए से नहीं, ये ज्यादातर आपके हाथों को मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इसका बचाव के हवाले से हर चंद मिनट बाद आवाम को चाहिए कि वो हाथ धोएं क्योंकि हाथों के जरिए से ये ज्यादा जो है वो ये वायरस जो है वो फैलता भी है।